हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं भूपेंद्र दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 से एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए विन आईएएस के द्वारा नए टॉपिक्स को लेकर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट्स की सीरीज चलाई जा रही है। ऑलरेडी आशीष सर मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित एमसीक्यूज आप लोगों को करवा रहे हैं और आज से मेरी सीरीज चालू होगी यूनिट 6 को लेकर के, जिसका जो नाम है वो है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसमें हम लोग जो भी मुख्य टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके कंसेप्ट्स को समझेंगे। पहले इकोनॉमी का वेटेज कम था, लेकिन इस बार के सिलेबस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाली जो प्रीलिम्स है उसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज जो होगा वो पहले से बेहतर होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स को ऐड किया गया है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की एक वर्तमान स्थिति पूछी गई है, पहले भी इस पर क्वेश्चंस आते थे। दूसरा है मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, इससे संबंधित प्रश्न मेंस में भी आते थे और कुछ योजनाओं के रूप में ऑलरेडी प्रीलिम्स से पूछ लिया जाता था। तीसरा है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। चौथा है मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास। फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हुई है उसी प्रकार राज्यों ने भी शुरू किया है आत्मनिर्भर अपने अपने राज्यों के लिए, जैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। फिर बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक टॉपिक है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, खास तौर पे पोस्ट कोविड जो प्रवृत्तियाँ, जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है हम लोगों को एग्रीकल्चर में, उद्योग में या सेवा क्षेत्र में। फिर वित्तीय संस्थाएं हैं, आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ एवं G20 सार्क, ये मुख्यतः जो हैं भारत की अर्थव्यवस्था एवं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। शुरू के जो टॉपिक्स हैं वो सारे एमपी से रिलेटेड हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। अगर आप इस टॉपिक को ठीक से समझ लेते हैं तो ये मानिए कि आप इन सब टॉपिक्स को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं उसमें इंक्लूड हैं अगर आप उसको ढंग से समझते हैं तो। और इसीलिए मैंने आज के सेशन का जो टॉपिक रखा डिस्कशन का, वो रखा है इस टॉपिक को, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की प्रगति सतत विकास लक्ष्यों में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग कंसेप्ट्स के साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम लोग ये समझ लें कि ये सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी, जिनको कहा जाता है अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये क्या है और इनका पूर्ववर्ती क्या था और किस प्रकार ये आया। देखिए, आज का समाज इस बात को एक्सेप्ट करता है कि इंसान या मानवता ने या मानव ने विकास की तरफ भागते हुए, विकास विकास करते हुए वो विनाश की ओर बढ़ गया, और इसी बात को मान्यता देते हुए 2000 में यूएनओ ने 2000 AD में यूनाइटेड नेशंस ने एमडीजी को अपनाया था। एमडीजी क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी इनको कहा गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल। और इनकी संख्या 8 थी और इनको टारगेट रखा गया था 2015 तक अचीव करने का। उसमें भी यही चीजें शामिल थी, गरीबी को मिटाना, भुखमरी को मिटाना, लेकिन 2015 आते आते इन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। फिर ज़रूरत हुई एक नए लक्ष्यों की, तो 2015 में यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स ने स्वीकार किया, रिजोल्यूशन पास किया एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्यों के लिए, जिसके अंतर्गत 17 गोल्स यानी 17 लक्ष्य और 169 टारगेट्स रखे गए। ध्यान रखिएगा, 17 गोल और 169 टारगेट,
यह आंकड़ा पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। कब अपनाया गया? 2015 में। और टारगेट रखा गया कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक इन्हें अचीव कर लिया जाएगा, इन्हें पा लिया जाएगा, इन 17 लक्ष्यों को। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, जर्नी फ्रॉम MDG टू SDG, किस प्रकार से दुनिया ने सहस्राब्दी लक्ष्यों से सतत विकास लक्ष्यों की तरफ मूव कर गई। सतत विकास के लिए एक परिभाषा दी जाती है आसान सी, कि बिना भविष्य के ज़रूरतों को कंप्रोमाइज़ किए, बिना उनसे समझौता किए हुए वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना ही सतत विकास है। और यानी संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि भविष्य की ज़रूरतों के साथ समझौता न करना पड़े। भविष्य के लोग जो आएंगे, न्यू जनरेशन जो आएंगी, उनको किसी चीज़ की स्कैर्सिटी या कमी महसूस नहीं हो कि हमारे पूर्वजों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया और हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए SDG को लाया गया और 17 गोल्स निर्धारित किए गए। ये एक इन्फोग्राफिक है, क्लियर नहीं है, लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं पांचवा गोल कौन सा है, छठा गोल कौन सा है, या पहला गोल कौन सा है। तो पहला गोल है नो पावर्टी। नो पावर्टी इस गरीबी मिटाना। दूसरा है जीरो हंगर, यानी भूखमरी मिटाना। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लैंगिक समानता। छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा। एट इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको हिंदी में कहा जाता आर्थिक समृद्धि, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको आर्थिक विकास भी कह दिया जाता है। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक नवाचार एवं आधारभूत संरचना। फिर है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, इसका मतलब है असमानता को घटाना। इनइक्वालिटी यानी असमानता, रिड्यूस यानी घटाना। फिर 11वां लक्ष्य है सस्टेनेबल सिटीज, अर्थात सतत शहर, शहरों का विकास जो हो वो सतत विकास के सिद्धांतों पर हो। फिर है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। देन 13वें नंबर का है क्लाइमेट। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन से क्या मतलब है? यानी जिम्मेदाराना उपभोग, हम किसी भी चीज़ का उपभोग जो करें वो जिम्मेदारी के साथ करें। देखिए, जैसे हम पानी का भी घर में इस्तेमाल करें तो उसे बर्बाद न करें, जिम्मेदारी समझें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है।
अगर हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो उसको भी जिम्मेदारी के साथ उसका उपभोग करें या कंज्यूम करें उसे। इसी तरह की तमाम जितनी भी संसाधन हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंज्यूम करना ही इसका लक्ष्य है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। क्लाइमेट एक्शन 13वें नंबर का गोल है। जलवायु कार्यवाही से तात्पर्य है, यानी जलवायु से संबंधित हम इस तरह के स्टेप्स लें कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और जलवायु में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक परिवर्तन ना हो। देन 14वें नंबर का है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर यानी जमीन के नीचे का जीवन, यानी समुद्री या जलीय जीव जो हैं उनके बारे में, उनको भी किसी तरह का हमारी वजह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फिर है लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर जो भी जीवन है उसको भी हम मेंटेन करके चलें। फिर है पीस जस्टिस, एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति न्याय एवं मजबूत संस्थाएं। और आखिरी है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप फॉर गोल्स यानी इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहभागिता, पार्टनरशिप करें। तो ये 17 गोल्स निर्धारित किए गए हैं और इनके अंतर्गत 169 टारगेट्स हैं। अब आप देखेंगे अगर ब्रॉडर लुक में हम लोग इसको देखें तो हम जितनी योजनाएं पढ़ते हैं सरकार की, जैसे अगर हम कहें सरकार का जो एक वाक्य है सबका साथ सबका विकास, वो भी इसके अनुरूप ही है। आप देखेंगे अगर एनर्जी को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है क्लीन एनर्जी को, तो वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भाग है। अगर हम लोग क्लीन वाटर को प्रमोट कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, ये ना केवल प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं अगेन कह रहा हूँ ये इक्वली या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एक सिंपल इन्फोग्राफिक था, एक जानकारी थी सतत विकास लक्ष्यों के बारे में। कुछ प्रश्न हैं इनको डिस्कस करेंगे, उसमें संबंधित जो बातें होंगी उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए पहला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य का आदर्श वाक्य क्या है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, हम लोग सतत विकास की बात करते रहते हैं, सतत विकास लक्ष्य की बात करेंगे, डेटा आप याद करेंगे, लेकिन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहला ऑप्शन दिया गया सुनहरे भविष्य के लिए, फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, आदर्श भविष्य के लिए अपनी दुनिया को बदलना, कोई भी पीछे ना छूटे। ट्राई करिए कि ये आप कोशिश करके देखिएगा पहले कि आपसे ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपने पढ़ा है तो तुरंत आंसर आएगा आपके मन से। और वैसे इसका सही आंसर है नो वन लीव बिहाइंड, या कोई भी पीछे ना छूटे। तो ध्यान रखिएगा ये इसका आदर्श वाक्य या मोटो है, किसका, SDG का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। ये दोनों अपने से बनाए गए हैं। ये एक ध्यान रखिएगा अपनी दुनिया को बदलने है, चेंजिंग आवर वर्ल्ड जो है वो टाइटल है, इट इज़ द टाइटल ऑफ SDG एजेंडा, सतत विकास लक्ष्यों के एजेंडा का शीर्षक है ये। तो ये भी पूछा जा सकता है, अपनी दुनिया को बदलना जो है वो सतत विकास लक्ष्यों का शीर्षक है। सतत विकास लक्ष्यों में शामिल हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने इन्फोग्राफिक्स को डिस्कस करते हुए आपसे कहा था कि इसमें कितने लक्ष्य और कितने गोल शामिल किए गए हैं। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया 15 लक्ष्य 165 टारगेट, 17 लक्ष्य 168 टारगेट। 15 तो है ही नहीं, बहुत क्लियर है, 17 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। टारगेट्स में वेरिएशंस हैं, तो
ये देखते हैं हम लोग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही आंसर है, 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। फिर प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों में से प्रथम लक्ष्य कौन सा है? भुखमरी खत्म करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता या गरीबी मिटाना? देखिए इसका सही आंसर है गरीबी मिटाना। भुखमरी कौन से पे है? ये दूसरे नंबर पे है। ठीक, द नेक्स्ट है, सतत विकास प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर है तीसरा। देखिए पहले स्थान पे मैं आपको बता दूं, पहले स्थान पे पहले राजस्थान हुआ करता था, लेकिन अभी यूपी है, जिसका कंट्रीब्यूशन है लगभग 15.7% का टोटल मिल्क प्रोडक्शन में। दूसरे स्थान पे राजस्थान है, जिसका कंट्रीब्यूशन है 14.44% टोटल मिल्क प्रोडक्शन में पूरे इंडिया के। और तीसरे स्थान पे एमपी है, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 8.73%। तो अपने को यही स्टेटस पूछा गया है एमपी के लिए, तो एमपी का जो है वह तीसरा स्थान है। चौथे पे याद रखिएगा आंध्रा है। कभी कभी जोड़ियां बनाने के लिए दिया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको क्रम से लगाने के लिए कह दिया जाए। अगर पेपर सेटर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे क्रम से लगाइए, तो आपको कम से कम 3-4 पता होना चाहिए। लास्ट ईयर के आंकड़ों के हिसाब से, 2023 के आंकड़ों के हिसाब से 3.66 लाख करोड़ टन पूरे इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन था, इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन 3.66 करोड़ टन। क्योंकि ये टॉपिक एमपी के बारे में है तो प्रश्न हम लोग एमपी से ही ज्यादा लेंगे। फिर प्रश्न है, दीदी कैफे का संचालन किया जाता है महिला विकास विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा, राज्य विकास निगम द्वारा, महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा? सही आंसर है महिला स्वयं समूह के द्वारा। थोड़ी सी जान लेते हैं कि महिला स्वयं समूह क्या होते हैं। इनको शॉर्ट में कहा जाता है SGHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मिनिमम 10 लोग पीपल, कम से कम 10 लोग मिल करके एक समूह का निर्माण कर सकते हैं किसी भी आर्थिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए, जिसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। कम से कम ये भी संख्या ध्यान रखिएगा, स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता होती है या उससे ज़्यादा, और सामान्यतः 20 से 25 लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं और फिर किसी तरह की आर्थिक गतिविधियां वो करते हैं। जो सहायता समूह महिलाओं के द्वारा बने होते हैं, यानी जिसके मेंबर्स, जिसकी सदस्य केवल महिलाएं होती हैं, वो क्या कहलाएंगे, महिला स्वयं सहायता समूह। तो ये जो दीदी कैफे है, ये महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और वर्तमान में 134 दीदी कैफे का संचालन किया जा रहा है। कितना? 134 दीदी कैफे। तो ये भी हो सकता है पूछा जाए, बट ये एक अच्छा प्रश्न है। वर्ष 2023 तक राज्य के कितने प्रतिशत लोगों को सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध है? तो देखिए इसका सही आंसर है, एज पर द SDG रिपोर्ट, एमपी SDG रिपोर्ट 2023, 50.98%, यानी लगभग 51% लोगों को राज्य में स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध है। एक मोटा मोटा याद रखिए 51%, तो ध्यान रहेगा, पर एग्जैक्ट नहीं है, 50.98 लिखा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी प्रकार के कुपोषण को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? बहुत सिंपल है, अगर इसको आपको नहीं पता है तो भी ये ध्यान रखना है कि जो SDG है वो कब तक के लिए निर्धारित है, 2030 तक।
तो इसका भी सही जवाब है 2030 तक सभी प्रकार के जो माल न्यूट्रिशन है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है भारत में और राज्यों के द्वारा। अगला प्रश्न, वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश का जेंडर बजट कुल बजट का कितने प्रतिशत था? देखिए 24-25 का जो बजट है वो एक अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक केंद्र में सरकार नहीं बन जाती। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव हैं, राज्यों को अनुदान मिलता है, केंद्र से फंडिंग होती है, तो जब तक केंद्र सरकार अपना बजट नहीं बनाएगी तब तक राज्य अपना फाइनल बजट नहीं दे सकते। इसीलिए जिस वर्ष भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो केंद्र एवं राज्यों के द्वारा क्या बनाया जाता है, अंतरिम बजट लेकर के आया जाता है। और अंतरिम बजट में केवल कुछ महीनों के लिए, जब तक कि सरकार का नए सरकार का निर्माण नहीं हो जाए तब तक के लिए खर्चों का प्रावधान किया जाता है। इसलिए बहुत डिटेल में 24-25 में कुछ नहीं है, 23-24 के बारे में ही इसलिए लिया है मैंने प्रश्न ये, तो 23 और यही पूछा जा सकता है क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब है, अप्रैल में। तो इसका सही जवाब है 32.7%। जेंडर बजट क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज जेंडर बजट, जेंडर बजट से तात्पर्य है कि ऐसा बजट क्या होता है, एलोकेशन होता है। बेसिकली बजट के अंतर्गत आय एवं व्यय यानी प्राप्तियों एवं खर्चों का ब्यौरा लिखा जाता है कि अगले एक वर्ष तक, एक वित्तीय वर्ष तक कितनी हमें प्राप्तियां होंगी और कौन कौन से हमें खर्चे करने हैं। व्यक्तिगत बजट भी हम लोग बनाते हैं और सरकारी बजट बनाती है, लेकिन जेंडर बजट से तात्पर्य ये है कि खास तौर पर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए यानी फीमेल्स के लिए सरकार के द्वारा स्पेसिफिक योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उनके लिए अलग से प्रावधान किए जाते हैं, उसके लिए अलग से एलोकेशन किया जाता है, धन का आवंटन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है जेंडर बजट। और यह दो कैटेगरीज में है, है ना। पहली कैटेगरी है ऐसी योजनाएं जिसमें जो 100% महिलाओं और बालिकाओं को समर्पित होंगी, यानी महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए, धन का आवंटन किया जाएगा, योजनाएं चलाई जाएंगी। और दूसरी ऐसी कैटेगरी है कि ऐसी योजनाएं या ऐसे खर्चे होंगे जिसमें लगभग 30% जो खर्चा होगा वो महिलाओं पर होगा, ऐसी भी योजनाएं हैं। तो ये दोनों जेंडर बजट के पार्ट होते हैं, ये 3 मार्कर में ही पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, और उसमें ही पूछा जा सकता है, डेटा पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे आप मेंस में क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप इसका उल्लेख कर देते हैं, अगर मान लीजिए कि 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल बजट का 32.7% जो था वो जेंडर बजट था, अगर महिलाओं से संबंधित पूछा गया कुछ भी, तो क्या राज्य सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, जनरली पूछा जाता है महिलाओं के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, बच्चों के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, निःशक्तजनों के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो जब महिलाओं के लिए पूछा जाए तो आप जेंडर बजट का उल्लेख मेंस में कर सकते हैं, प्री में वो डेटा पूछ सकते हैं या फिर आपको परिभाषा पूछ सकते हैं, या और कट थोड़ा सा टिपिकल बनाना चाहेंगे तो जेंडर बजट के अंतर्गत शामिल होता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही जवाब है 956। याद रखिएगा एमपी का जो एट बर्थ सेक्स रेशियो एट बर्थ, जन्म के समय, यानी कहना चाहिए कि जन्म जब लेते हैं 1000 पुरुष तो उसमें 956 जो होती हैं लड़कियां होती हैं और 1000 लड़के पैदा होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में ये 929 था जब NHF नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर के आंकड़ों के अनुसार ये 933 हो गया है इंडिया का। क्या जन्म लिंगानुपात, जन्म के समय लिंगानुपात, तो भारत मध्य प्रदेश का कैसा है, बेहतर है। पूरे राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है
जन्म के समय लिंगानुपात का वो बहुत बेहतर है, तो ये तुलनात्मक हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये इसी तरह का प्रश्न उन्होंने 2022 में भी पूछा था कुछ। तो इसका सही आंसर है 1.36 करोड़, और परसेंट में अगर देखेंगे तो लगभग 15.94% के आसपास। ये दोनों डेटा याद रखिएगा, 1.36 करोड़ और 15.94% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं अभी। किसके अनुसार? बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है क्या। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। देखिए MPI या मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो है एक पूरा वैश्विक लेवल पे बनाया जाता है, ग्लोबल लेवल पे बनाया जाता है, और दूसरा जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पे बनाया जाता है। तो दोनों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एक जो है ग्लोबल MPI यानी वैश्विक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ये रिलीज किया जाता है या इशू किया जाता है, इशूड बाय ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड UNDP के द्वारा। हिंदी में कहेंगे इसको ऑक्सफोर्ड निर्धनता मानव विकास पहल एवं UN विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं इसको। अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, नॉट इंडेक्स, इनिशिएटिव एंड UNDP इसको जारी करता है, और यह बहुत सारे मानकों के आधार पर जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनको ये रैंकिंग देता है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, भुखमरी, इन सब उसके मानक होते हैं। और एक जो है दूसरा राष्ट्रीय MPI जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, वो जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो ये जो हम लोगों का जो प्रश्न में पूछा गया है ये राष्ट्रीय है बेसिकली, है ना। तो एक तो ये भी प्रश्न बनता है कि कौन जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा, और इसके लिए नीति आयोग ने एक कमेटी का निर्माण किया जिसको कहा जाता है MPICC मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, और वो फिर निर्धारित करते हैं, अलग अलग राज्यों को रैंकिंग देते हैं। उनका जो मेन मोटिव है वो है SDG गोल्स को लेकर के, खासतौर से गरीबी, शिक्षा, भुखमरी को लेकर के, इसके आधार पर उनको रैंकिंग दी जाती है, स्कोर दिया जाता है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कौन जारी करता है इसको, तो नीति आयोग करता है और उसकी MPICC कमेटी करती है। और इसके अनुसार जो 2023 में जो रिपोर्ट जारी हुई है, इंडेक्स जो आया हुआ है, उसमें 1.36 करोड़ मध्य प्रदेश के लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, और प्रतिशत में इसको हम लोग नापेंगे तो ये आएगा 15.94%। नेक्स्ट जो हम लोगों का जो क्वेश्चन है दैट इज सतत विकास एजेंडा का शीर्षक क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ऑप्शन में आपको बताया था, ध्यान होगा कोई पीछे न छूटे, ये जो है ये
शीर्षक नहीं बल्कि क्या है, मोटो है, कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है। इसका सही आंसर है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड जो है वो सतत विकास एजेंडा का शीर्षक है, टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग ने पहला SDG इंडिया सूचकांक कब जारी किया? तो इसका सही आंसर है 2018। और ध्यान रखिएगा, अब तक 3 SDG इंडेक्स जारी हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं। थर्ड जो था वो उन्होंने जारी किया था 2022 में जून में, और वो 2021 के लिए था। फिर प्रश्न है, SDG इंडिया सूचकांक 3 में मध्य प्रदेश का कंपोजिट स्कोर कितना है? इसका सही आंसर है 62। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेडिंग दी गई है मध्य प्रदेश की प्रगति, SDG में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है या क्या उसकी प्रोग्रेस है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है, तो उसका जो कंपोजिट स्कोर है वो है 62। मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई, इंफ्रास्ट्रक्चर एक पार्ट है SDG का, तो कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है 410,000 किलोमीटर। ये याद करना पड़ेगा, 410 याद रखिएगा तो उससे याद रहेगा, या 420 याद रखिएगा तो 10 माइनस कर लीजिएगा, 410, 410,000 किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है वो है, सतत विकास प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? अगेन, अगर हम लोगों को माल न्यूट्रिशन ख़त्म करना है, भुखमरी ख़त्म करनी है, तो हम लोगों को खाद्यान्न का उत्पादन करना पड़ेगा, और इसीलिए प्रत्येक राज्य के लिए ये कोशिश रहती है हर राज्य की कि वो क्या करें, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादित करें। ग्रीन रिवोल्यूशन हमने एक देखा, अभी 2 जारी है। तो इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसमें मध्य प्रदेश का स्थान है सेकंड, फर्स्ट पे है UP। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य मिशन का उद्देश्य क्या है? ये एक स्कीम है। पहला ऑप्शन है बच्चों में कुपोषण दूर करना, 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों में मृत्यु दर कम करना, तीसरा बच्चों को संक्रामक बीमारियों से बचाना, और लास्ट है A और B दोनों। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है A और B दोनों सही हैं, इसलिए D जो होगा वो सही हो जाएगा। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य मिशन का जो उद्देश्य है वो बच्चों में कुपोषण को भी दूर करना है, और 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों का जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, उसको कम करना है। इसके अंतर्गत शिविर लगाए जाते हैं, और जो कुपोषण से जूझ रहे बच्चे हैं उनकी पहचान की जाती है, उनको समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। फिर प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है? कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर है 7 times गेहूं उत्पादन के लिए। यह आसान प्रश्न है। कोदो और कुटकी उत्पादन का गढ़ है, हब, द हब ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोदो एंड कुटकी। हम जानते हैं कि इसको हम लोग श्री अन्न कहते हैं, श्री अन्न, या इसको मिरेकल मिलेट भी कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको कोदो और कुटकी को। और इसके लिए ऑप्शन है मंदसौर, झाबुआ, मंडला और उमरिया। इसका सही आंसर है मंडला, और ये याद रखना है, ये मंडला का ODOP भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कोदो और कुटकी जो है वो मंडला डिस्ट्रिक्ट को असाइन किया गया है, दिया गया है। मध्य प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? ये भी एक इम्पोर्टेंट है, हम लोगों का जो पहला गोल है SDG वो क्या है, गरीबी मिटाना, नो पॉवर्टी, उससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा 35, तीसरा 38.3,
फोर्थ है 29.1, इसका सही आंसर है 38.3%। याद रखिएगा, कुछ जगहों पे 37 भी लिखा हुआ है, लेकिन SDG रिपोर्ट MP के द्वारा कि में 38.3% ही लिखा है, तो इसको हम लोग यही सही मानेंगे कि ये सही है। मध्य प्रदेश किन सतत लक्ष्यों में अग्रणी है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये नंबरिंग केवल दे दिया जाएगा आपको, इसके लिए आपको याद रखना होगा जो हमने इन्फोग्राफिक पढ़ा था उसके माध्यम से कि 17 के 17 जो लक्ष्य हैं वो क्या हैं, तब तो आप समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। देखिए 1, 2, 4, 9, 3 ये जो हैं इसमें तीन कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज के अंतर्गत कौन कौन से, एक में फ्रंट रनर हैं, दूसरे में परफॉर्मर और तीसरा एस्पिरेंट्स। फ्रंट रनर यानी अग्रणी हैं, परफॉर्मर यानी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है, और थर्ड जो है एस्पिरेंट यानी उसमें हम आकांक्षा रखते हैं कि हम बेहतर करेंगे। तो 1, 2, 4, 9, 13 में MP जो है वो एस्पिरेंट है, MP इज एस्पिरेंट, आकांक्षी है। 6, 7, 11, 12, 15, 16 में हम फ्रंट रनर हैं, यानी कि मध्य प्रदेश फ्रंट रनर अग्रणी। 3, 5, 8, 10 में हम परफॉर्मर हैं, ये तीन कैटेगरीज हैं, अच्छा प्रदर्शन रहा है ना, और ये ऐसा कुछ है नहीं, इसको ऐसे मनगढ़ंत तरीके से बनाया गया था, तो ये तीन कैटेगरीज अपने को याद रखनी है। अच्छा, इनके अगर नाम भी वो पूछ सकते हैं कि कहाँ पे हम आकांक्षी हैं, कहाँ पे हम अग्रणी हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। और एक कॉमन सा आपको बात बताऊँ, हमेशा अच्छी चीज़ें पूछी जाती हैं, कोई भी राज्य कोई भी ये चाहे नहीं चाहेगा कि उसकी वीकनेसेस को एग्ज़ाम्स में पूछा जाए, बहुत कम पूछा जाता है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो फ्रंट रनर या परफॉर्मर के पूछे जाने के होते हैं, है ना, उसमें हम दिखा सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ प्रोग्रेस किया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चंस थे इस टॉपिक को शुरू करने के लिए, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो 1, 2 से ही लिए गए थे, एक आध क्वेश्चंस दूसरे लक्ष्यों से भी लिया गया था। ठीक इसी तरह की श्रृंखला जारी रहेगी इस टॉपिक के ऊपर, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग दूसरा यूनिट उठाएंगे, तो तैयारी अपनी करते रहिए। पूर्णता कभी प्राप्य नहीं होती, लेकिन पूर्णता के फॉलो करते करते, उसका पीछा करते करते हम उत्कृष्टता को पा लेते हैं। विंस लोम्बार्डी का ये जो कथन है ना, ये परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे, कभी कोई ये नहीं कहता कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन मेहनत करते करते व्यक्ति जो होता है एक्सीलेंट हो जाता, उत्कृष्ट हो जाता, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, और जब सफल उसी एक्सीलेंस के सहारे वो सफलता हासिल कर लेता भी है। तो मेरी सलाह यही है कि इस पूर्णता यानी कि कंप्लीटनेस की तरफ आप मेहनत करते रहिए, कोशिश करिए कि आप हर टॉपिक में परफेक्ट हों, तो एक दिन आप एक्सीलेंस को हासिल करेंगे, उत्कृष्टता हासिल करेंगे, और निश्चित तौर पर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।